नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। आखिर दुनिया के जो सबसे बड़े वीआईपी लोग होते हैं वो सुबह सुबह ऐसा क्या करते हैं कि पूरा दिन भर मैजिक चलता है, जादू चलता है। वो दिन भर सुपर प्रोडक्टिव रहते हैं, उनके हर काम सफल होते हैं, वो दिन भर पीसफुल रहते हैं, काम रहते हैं और मानो पूरा समय अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को झोंक कर रख देते हैं। आज मैं आपको सुबह की कुछ ऐसी हैबिट्स बताने जा रहा हूँ जो जीरो कॉस्ट है, जो आप आज अभी इस पल इस क्षण से शुरू कर सकते हैं और मेरी गारंटी है क्योंकि दुनिया के सैकड़ों हजारों वीआईपीज इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया के अधिकांश वीआईपी उठते साथ पहले मिनट एक काम करते हैं। वो अपने बिस्तर से उठते नहीं है, वो पहला हाथ इधर उधर मोबाइल पे नहीं मारते, वो सबसे पहले उठते हैं, 5 गहरी सांस लेते हैं और इन सांसों को लेते वक्त पूरा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरा मुस्कुराहट से बिल्कुल लंदा फंदा रहता है, मानो सारे संसार को संदेश दे रहे हैं मैं विजय करने आ रहा हूं। जितने भी वीआईपी लोग हैं वो सुबह सुबह एक ग्रेटिट्यूड जरूर अदा करते हैं। आप सोचिए, आप रात को सो के सुबह उठ गए, क्या ये ग्रेटिट्यूड अदा करने की वजह नहीं? कितने ऐसे लोग थे जो रात को सो के सुबह उठ ही ना पाए, उठे तो किसी बीमारी के साथ उठे, हार्ट अटैक के साथ उठे, उठे ही नहीं। आप उठ गए, आपके सामने एक सुनहरा दिन है, ग्रेटिट्यूड करने का कारण है। आपके पास पहनने को कपड़े हैं, खाने को अनाज है, रहने को छत है, प्यार करने वाले लोग हैं, एक नौकरी है, कुछ तो होगा, ये हाथ होंगे, ये पैर होंगे, ये आंखें होंगी, कान होंगे, कुछ तो होगा। सुबह सुबह पहले ग्रेटिट्यूड अदा कीजिए। हे भगवान, मैं इस शानदार जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आज का मेरा दिन अद्भुत जाने वाला है, मुझे पता है आज मेरा हर काम सफल होगा। सुबह सुबह इस ब्रह्मांड को मैसेज दे दीजिए, मेरी लाइन में आ जाओ, मैं अपना रेडियो, मेंटल रेडियो गाने की धुन में सेट कर रहा हूँ और बिल्कुल उस फ्रिक्वेंसी में वही गाना बजना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। एक बात जान लीजिए, ये सब हैबिट थ्योरी नहीं है, सालों से हम एक वीआईपी नाम का प्रोग्राम करा रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें हम एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी हैबिट, पर्सनल सक्सेस हैबिट, सुपर अचीवर हैबिट सब सिखाते हैं, क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं ज्ञान से कुछ नहीं बदलता, जानने से कुछ नहीं बदलता, जो बदलता है हैबिट से बदलता है। तो आज अपनी जिंदगी में मैजिक डालना हो ना तो मेरी हैबिट अपना लेना और पहली फुर्सत में businessjito.com पर जाके वीआईपी नाम का प्रोग्राम कर लेना। आइए एक बार फिर से चलते हैं हैबिट्स की ओर। आपके घर में जगह जगह आपके विजन बोर्ड लगे होने चाहिए। क्या होता है विजन बोर्ड? वो विजन जो कल आप पाना चाहते हैं, वो घर जो आप कल पाना चाहते हैं तस्वीर में होना चाहिए, वो गाड़ी जो कल आप खरीदना चाहते हैं तस्वीर में होना चाहिए, वो अवार्ड जो कल आप पाना चाहते हैं तस्वीर में होना चाहिए, वो अनाथालय, वो स्कूल जो आप खोलना चाहते हैं तस्वीर में होना चाहिए, दुनिया के वो कोने जो आप घूमना चाहते हैं तस्वीर में होने चाहिए और उनको यूं सजा के रखना। देखिए, मैं आपको मेरा विजन बोर्ड दिखा रहा हूं, मेरा विजन बोर्ड, और ये मेरे बाथरूम में लगा, ये मेरे ड्रेसिंग रूम में लगा, ये मेरे स्टडी रूम में लगा, ये जहां मैं बैठता हूँ ऑफिस में मेरी टेबल के साइड में लगा है और रोज मैं इसको देखता हूँ और मानो ये मुझसे बातें करता है, क्या बात है पाटनी साहब, कब बढ़ोगे। रोज कभी ये मेरे को प्रोव करता है, कभी मेरे को प्रिक करता है, कभी मेरे को इंस्पायर करता है, कभी भूल जाऊं तो जगा भी देता है, हिला के ऐसे जगा देता है, तो पूछता है पाटनी साहब कब करोगे। तो हर दिन सुबह की एक और वीआईपी हैबिट, अपना विजन बोर्ड जरूर देखें और बहुत बढ़िया से उन सारी चीजों को जिनको जिंदगी में पाना चाहते हैं उनको विजुअलाइज करें। सुबह सुबह यदि आपके किड्स हैं ना, उनको बहुत बढ़िया से हग करें। आप सुबह पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं तो अपने बच्चों को हग करें। यदि आपके परिवार में इतनी लिबर्टी हो, हम सब अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक अलग अलग मेंटल लेवल के लोग हैं, अपने जीवन साथी को हग कर सकते हैं तो अपने जीवन साथी को हग करें। सुबह सुबह अपनी पॉजिटिव ऊर्जा उनमें जरूर ट्रांसफर करें। यदि आप अपने घर में बड़ों के साथ रहते हैं और यदि आप भारतीय हैं तो प्लीज़ हमारे पुराणों से लेके आज तक एक हैबिट चली आ रही है, रोज सुबह अपने बड़ों के पैर छूके, रोज सुबह अपने से बड़ों के पैर छूके उनके आशीर्वाद। तो साथियों, 7 वीआईपी हैबिट बता रहा हूं और ये 7 वीआईपी हैबिट मिलके यदि आपकी सुबह को मैजिकल ना कर दे, और यदि सुबह मैजिकल हो गई ना तो दिन मैजिकल हो जाएगा। ये जो आपका हृदय है ना,
ये जो आपकी अंतरात्मा है, कभी कभी ना इसको भी थोड़े नरिशमेंट और पेप की जरूरत पड़ती है। आपकी स्पिरिचुअलिटी जितनी एनहांस्ड होगी, आप अपनी अंतरात्मा से, अपने कॉन्साइंस से जितना कनेक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा ब्रह्मांड आपकी विशेष पूरी करेगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड का सिद्धांत है स्पिरिचुअलिटी से ब्रह्मांड का कनेक्शन है। तो हर दिन 10 मिनट बढ़िया से मेडिटेशन कीजिए। शुरू शुरू में आप नहीं कर पाएंगे, 1-2 मिनट में हड़बड़ा जाएंगे, चिंता मत करना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, और विधि की चिंता मत करना, कोई साधु बाबा योगाचार्य मत ढूंढना, कोई भी विधि मिले। अल्टीमेटली मेडिटेशन को सांसों तक जाना है और आपको खुद से एकाकार होना है। तो 10 मिनट का मेडिटेशन, मैं जानता हूं यूथ को बहुत प्रॉब्लम है, 1 मिनट के अंदर मेडिटेशन में यूं विचार इधर से उधर बम्बार्ड हो जाते हैं, संभालते नहीं बनता, समझ में नहीं आता करे कैसा। लेकिन थोड़े दिन बाद आप 1 घंटे भी बैठेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे लोग तो भरी भीड़ में हजारों के बीच मेडिटेशन लगा लेते हैं, और मैं तो आपको 10 मिनट की सोल चार्जिंग के लिए कह रहा हूं। भाई मोबाइल कितना भी महंगा रखो, 5 लाख का मोबाइल क्यों ना रख लो, चार्जिंग तो करना पड़ेगा। तो जिसके जितने बड़े सपने ना, उसको उतनी चार्जिंग की नीड है। 20 मिनट ऑफ माइंड चार्जिंग आपको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 10, 20, 30, क्योंकि मैं ऐसे ही बता रहा हूं। 10 मिनट ऑफ सोल चार्जिंग, 20 मिनट ऑफ माइंड चार्जिंग। हर दिन सुबह एक शानदार बुक पढ़े, एक आज शानदार वीडियो देखें, नहीं तो रोज सुबह मेरे नाम कर दीजिए, एक उज्ज्वल पाटनी शो देख लीजिए हर दिन सुबह। और यदि आप कोर्सेज में यकीन रखते हैं, यदि आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखते हैं, यदि आप ये मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आपको VIP जैसे कोर्सेज को रोज सुबह 20-20 मिनट करते चले जाना चाहिए। ऑनलाइन है ना बिजनेस जीतो पे, कीजिए। ये हैबिट्स वहीं से तो निकली है जिसने देश में लाखों लोगों को बदला है। 20 मिनट ऑफ माइंड चार्जिंग। माइंड चार्जिंग में क्या क्या चीजें आएंगी? बुक्स पढ़ना, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है, वीडियोस देखना, थर्ड कोर्सेस करना, और फोर्थ अचीवर्स से मिलना। ये 4 चीजें माइंड चार्जिंग में आएगी, और मैं सिर्फ आपसे 20 मिनट मांग रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। और लास्ट में 30 मिनट्स। अब सर 30 मिनट क्या चीज के लिए? भाई 30 मिनट इस शरीर के लिए है। भाई खाने का सामान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितनी ही प्योर आइटम से क्यों ना बनाओ, कितने ही अद्भुत हाथों ने क्यों ना बनाया हो, यदि उसको एक गंदी अलमारी में रख देंगे ना, जिसमें कीड़े हैं, फफूंद है, ये है वो है, तो सामान खराब हो जाएगा। तो यदि आपका शरीर, जिसमें ये दिमाग बैठा है, जिसमें ये अंतरात्मा बैठी है, ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा ना, तो बाकी सब कुछ भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको 7 हैबिट बताई, और मेरा दावा है ये 7 हैबिट आप यदि अपने परिवार के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, हर किसी को इंस्पायर करते हैं, तो हम अपने आसपास एक मैजिकल, एक जादुई दुनिया बनाने में सक्षम होंगे। और एक खास बात आपको बता दूं, 1 भी हैबिट में 1 रुपए का भी कॉस्ट नहीं है। प्रश्न सिर्फ एक है, आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे या एक और वीडियो समझ के छोड़ के, चलो चलो बहुत अच्छा वीडियो, तो हाँ भाई हाँ चलो, एक आध कमेंट डाल दो, एक आध लाइक शेयर कर दो, काम खत्म कर दो। जिंदगी की जिम्मेदारी लो, जानने से कुछ नहीं बदलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।